मुरादाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय की दूसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ियों के साथ दर्जनों फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और अपनी कार्यकुशलता दिखाते हुए अस्पताल की बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम तेजी के साथ शुरू कर दिया। वहीं फायर टेंडर की दूसरी टीम आग बुझाने में लगी हुई थी, कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के क्विक रिस्पॉन्स के चलते कई लोगों की जान बचाई जा सकी। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम एक मॉर्क ड्रिल का हिस्सा था, क्योंकि प्रदेश सरकार के आदेश पर आज प्रदेश भर में 2 दर्जन से ज्यादा जनपदों में फायर ब्रिगेड की टीमें इसी तरह की मॉर्क ड्रिल कर रही हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भी व्यापक ढंग से मॉर्क ड्रिल की गई। ये मॉर्क ड्रिल थी आज फायर को लेकर के, फायर सेफ्टी को लेकर के। इसमें जो इंसिडेंट कमांडर के रूप में मैं यहाँ पर स्वयं उपस्थित था, बाकी हमारे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग थे। और इसकी इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि अचानक से कोई आपदा आती है तो उस संबंध में हम किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे और हमारी क्या तैयारी है और टीम हमारी कितनी प्रिपेयर है, उसका एक चेक होता है। तो उसके क्रम में हमको आज ये कंट्रोल रूम को सूचना मिली, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है हमारा कलेक्ट्रेट में, वहाँ पर हमको सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुँचा। सेकेंड फ्लोर पर ये आग की सूचना मिली थी, उसमें तत्काल ही हमारी टीम ने वहाँ पे घायलों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद में तुरंत हमने उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो सेंट्रल पुलिस हॉस्पिटल है उस पर हमने भिजवाया, और डॉक्टर्स की टीम भी हमारी रेडी थी और हमारा ट्रैफिक भी बिल्कुल क्लियर था, इससे हमें उनको वहाँ तक पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा सिविल डिफेंस की टीम थी, उसने भी अपना पूरा रोल अच्छे तरीके से निभाया, तो इस कारण से हम लोग इस ऑपरेशन को सफल संपन्न कर पाए। तीन टीमें फायर फाइटिंग थी, 2 टीमें रेस्क्यू के लिए थी, 1 टीम इंटरनल फायर फाइटिंग के लिए थी और रेस्क्यू के लिए भी 3 टीमें लगी थी, और बाकी इसमें कम्युनिकेशन की टीम लगी थी और लाइन ऑर्डर की समस्या के लिए पुलिस की टीम लगी थी और ट्रैफिक डायवर्जन के लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था थी, और अस्पताल में अफरा तफरी ना हो इसके लिए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर लगे हुए थे, और अस्पताल के सेफ्टी ऑफिसर और इनके मैनेजर और CMO सभी लोग मौजूद थे, जिन्होंने इसको ड्रिल को पूर्ण होने में अथक प्रयास किए और सकुशल ड्रिल संपन्न हो पाई। अस्पताल में जो सेकंड फ्लोर पे 15 लोग फंसे थे, उनमें से कुछ घायल थे जिनको निकाल कर केंद्रीय पुलिस चिकित्सालय भेजा गया था, और शेष लोगों को सहारा देकर निकाला गया था। जो 15 लोग फंसे थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया और फर्स्ट एड देकर उनको दूसरे अस्पताल भेजा गया। हाँ, नेट हमारे पास होता है, उसको बाहर से अगर वो उतारना चाहेंगे तो पुलिस लाइन में इससे नेट मिल जाता है हमको, ऐसी जरूरत पड़ी नहीं, वरना हम उसे मंगा के ये भी कार्रवाई कर लेते। जो आज फायर मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया गया था, तो फायर जैसे ही हमारे यहाँ आग लगी, हमने सूचना दी तो फायर विभाग के चीफ फायर ऑफिसर की जो उनकी टीम थी वो तुरंत यहाँ पर आई, मौके पर पहुँची, और जो भी घायल थे उनको रेस्क्यू करके निकाला गया, आग बुझाई गई और धुआं भी सारा साफ किया गया, उनको हॉस्पिटल में रेस्क्यू करके निकाल के एडमिट करा दिया गया, और बहुत इनका क्विक रेस्पॉन्स रहा, ट्रैफिक भी क्लियर था, सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और ये तो एक मॉक ड्रिल थी, पिछले माह में हमारे यहाँ एक्चुअल भी 4 जुलाई को ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी, तब भी फायर डिपार्टमेंट के सहयोग से हमारे यहाँ कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई, और सब मतलब इनका सहयोग बहुत अच्छा रहा और आग बुझाने में जितना कम से कम नुकसान हो सकता था वो हुआ।